हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बताऊंगी पैंट या प्लाजो में इलास्टिक लगाने का तरीका, जो बहुत ही आसान है। आप लोग आसानी से इस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। मैंने इस पैंट में 3 इंच के करीब एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था और उसे ही अंदर की तरफ पलट थोड़ा सा मैंने जगह खुला छोड़ दिया इलास्टिक डालने के लिए। इलास्टिक को आप अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग कट कर लीजिए और इलास्टिक में पिन अटैच कर दीजिए। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने पिन अटैच कर लिया है। इस तरह से आपको पिन अटैच करना है और जो मैंने पैंट में फोल्ड किया हुआ है ऊपर की तरफ, उसके अंदर इसे डालना है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं मैं इसके अंदर कैसे डाल रही हूँ। और इसी के साथ मैं बताना चाहूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर। मैंने पूरे इलास्टिक को अंदर की तरफ डाल दिया है और मैं इसको एक तरफ से निकाल कर दोनों के एंड्स पॉइंट को मिलाते हुए ज्वाइंट कर दूंगी ताकि ये खुले नहीं। मैंने इलास्टिक के दोनों एंड्स पॉइंट को भी ज्वाइन कर लिया है और जो खुली हुई साइड है उसको मैं पहले एक स्टिच लगाकर उसे पैक कर दूंगी। यहाँ तक तो सब काम कंप्लीट हो गया है। अब मैं इलास्टिक के बीच में स्टिचिंग लगाऊंगी ताकि ये इधर उधर पलटे नहीं। अगर इलास्टिक के बीच में अगर स्टिच नहीं करेंगे तो इधर उधर ये पलट सकता है। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैं कैसे इलास्टिक के बीच में सिलाई लगा रही हूँ। ऐसे खींच खींच करके आपको इलास्टिक पे सिलाई लगाना है, दोनों साइड से आपको टानना है। इलास्टिक लगाने का मेन पॉइंट यही है, अगर आप इसे टानेंगे नहीं तो ये इसमें फिनिश लुक नहीं आएगा और इलास्टिक अच्छा भी नहीं लगेगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए, नेक्स्ट वीडियो में जरूर कोशिश करूंगी। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।